स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मोगली था। वो कुछ उल्फ्स के साथ वहाँ पे भाग रहा होता है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा था। बगीरा था तो एक ब्लैक पैंथर, लेकिन वो उल्फ्स के साथ रहा करता था और मोगली को भी उसने उल्फ्स के तरीके सिखा दिए थे। और तभी हम देखते हैं कि मौसम चेंज होता है और गर्मी का सीजन आता है और हर तरफ पानी की कमी होने लगती है। अब सब एनिमल मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है वो सब मिलकर वो पानी पीने के लिए जाएंगे और इस टाइम पे कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल पर अटैक नहीं करेगा। अब सभी जानवर छोटे से लेकर बड़ा जानवर सब जा कर के उस नदी के किनारे जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर मोगली भी आता है। उन उल्फ्स का जो लीडर था उसने मोगली को इंसानों के तौर तरीकों को अपनाने से मना किया था और उसने मोगली को ये भी कहा था कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एनिमल मिलकर के पानी पी रहे होते हैं। वो सभी एनिमल मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उन सभी एनिमल्स ने ऐसे एनिमल को तो कभी नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और तभी हम वहाँ पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहाँ पर इंसानों की स्मेल आती है और वो ये भी कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान भी है। शेर खान मोगली को देख लेता है और देन वो ये कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तभी उल्फ्स का लीडर ये कहता है कि ये हमारे टीम मेंबर है तो हम तुम्हें इसे नहीं देंगे। तब शेर खान ये कहता है कि ये जो पानी की कमी है ये कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी क्योंकि आज नहीं तो कल बारिश तो हो ही जाएगी और तब जो इन जानवरों में इत्तेफाक है वो इत्तेफाक खत्म हो जाएगा और तब मैं मोगली को उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो सभी जानवरों को धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है। अब सारे उल्फ्स मोगली के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और देन बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद उल्फ्स के बीच में एक मीटिंग होती है। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इनका भी दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अब मोगली अपने साथियों को और खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब जाकर मोगली सारे उल्फ से ये कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर बगीरा आता है और वो आकर ये कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही बेहतर है। इसके बाद बगीरा ये कहता है कि मुझे इंसानों का एक विलेज का पता है, वहाँ पर मैं मोगली को छोड़ आऊंगा। अब वहाँ पर उल्फ में जो मोगली की माँ रक्षा थी वो कहती है मैं किसी भी हालात में मोगली को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन मोगली को तो जाना था इसलिए वो ब्लैक पैंथर के साथ आगे चला जाता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक सूखे घास के मैदान तक पहुँच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे भैंसे थी। तभी ब्लैक पैंथर को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। वो मोगली को ये कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले मोगली को कुछ समझ आता शेर खान उस पर अटैक कर देता है। बगीरा शेर खान से लड़ता है और मोगली वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर था, बगीरा उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। शेर खान बगीरा को हरा देता है और देन मोगली का पीछा करने लगता है। अब जैसे ही शेर खान मोगली को पकड़ने वाला था कि वो तभी भागते हुए भैंसों से टकरा जाता है। मोगली शेर खान के डर से भागते भागते एक खाई की तरफ कूद जाता है। अब जो भैंसे शेर खान के डर से भाग रहे होते हैं मोगली उनका फायदा उठाकर एक भैंस को पकड़ता है और उसके ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब इस बात पे शेर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मोगली उसके हाथों से निकल गया था। अब शेर खान उस जगह पर जाता है जहाँ पर उल्फ्स रहते हैं। उल्फ्स शेर खान को ये कहते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। अब शेर खान ये कहता है कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। अब वहाँ पर उल्फ्स का जो लीडर था उसके साथ शेर खान की लड़ाई हो जाती है। शेर खान उस लीडर को पकड़कर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब इसके कारण उल्फ्स के लीडर की डेथ हो जाती है और इसीलिए सारे उल्फ्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शेर खान ने उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ हम मोगली को देखते हैं जो कि अभी भी एक भैंस के ऊपर ही था। जब की आँख खुलती है तब वो देखता है कि भैंसे चट्टानों पे से गुजर रहा है और उस चट्टान का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी और तभी वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था। मोगली अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भूखा भी था।
देन वो एक ट्री पर कुछ फ्रूट्स देखता है, तो वो उन फ्रूट्स को लेने के लिए एक ट्री पे चढ़ जाता है। वहाँ पर कुछ और भी एनिमल आ जाते हैं, वो मोगली के फ्रूट्स को उठा कर लेकर चले जाते हैं। अब मोगली इस घने जंगल में आकर के रास्ता भी भूल चुका था। इसके बाद जब मोगली वहाँ से गुजर रहा होता है, तब उसके पास एक पाइथन स्नेक आ जाता है। वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसकी वजह से मोगली को अपना पास्ट याद आ जाता है। तब वो बहुत ज्यादा छोटा था, वो पास्ट में ये देखता है कि कैसे उसके फादर ने शेर खान से उसको बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी, जिससे उन्होंने शेर खान पे हमला भी किया था, और वो निशान शेर खान की आंखों पर अभी भी है। शेर खान ने उसके फादर को मार दिया था। और तभी मुगली के पास बगीरा आया था, और बगीरा उसको उल्फ्स के पास लेकर गया था। के बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पर हम पाइथन स्नेक को देखते हैं। ये पाइथन स्नेक मुगली को अपने बातों में लगा रही थी, उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी ताकि वो मुगली को खा सके। और जब वो पाइथन स्नेक मुगली को खाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है, जिसका नाम बल्लू था। वो मुगली को बचा कर लेकर जाता है। दरअसल मुगली बेहोश हो चुका था। जब वो होश में आता है, तब वो अपने सामने बल्लू को देखता है। अब बल्लू मुगली से ये कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और इसके बदले तुम्हें शहद तोड़ने में मेरी मदद करनी होगी। मुगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपने इंसानों के दिमाग को यूज करता है, और जहाँ पर बहुत सारा शहद था वहाँ तक पहुँच जाता है। बल्लू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये भी कहता है कि क्यों ना तुम यहीं पर ही रुक जाओ, और हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, और खूब सारा शहद इकट्ठा करेंगे, और विंटर में काफी मजे भी करेंगे। के बाद मोगली ये कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बगीरा ने रुकने के लिए मना किया है। तभी बल्लू कहता है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद बल्लू मोगली को वहाँ पर लेकर गया था, जहाँ से इंसानों की बस्ती नजर आ रही थी। लेकिन अब बल्लू तो मोगली को कन्विंस कर चुका था यहाँ पर रहने के लिए। अब जैसे ही बल्लू और मोगली मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बगीरा आ जाता है। वो मोगली को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था। मोगली जैसे बगीरा को देखता है, वो उसको हग कर लेता है। अब जब रात को सभी सो रहे होते हैं, तभी मोगली की आँख खुलती है। वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और उन हाथियों की मदद करता है उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में। अब वहाँ पर बगीरा और बल्लू भी थे। वो जब ये देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गीरा बल्लू को ये कहता है कि शेर खान ने उल्फ्स के लीडर को मार दिया है, और उसका अगला शिकार अब मोगली है। अब जब बल्लू ये सुनता है कि शेर खान मोगली के पीछे है, तब वो मोगली के पास जाता है, और वो मोगली से ये कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद इकट्ठा करने के लिए तुमसे झूठ कहा था। क्योंकि बल्लू जानता था कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। मोगली को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो जाकर एक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। अभी वहाँ पर बहुत सारे मंकी आ जाते हैं, वो मोगली को अपने साथ उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बल्लू और बगीरा भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। अभी वो बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान में लेकर जाते हैं, जहाँ पर इनका किला था, और वहाँ पर इनका किंग भी था। वहाँ पर बगीरा और बल्लू भी आ जाते हैं। बल्लू उस मंकी किंग को अपने बातों में उलझाता है, और बगीरा मोगली को इशारा करता है भागने के लिए। अब जब बगीरा और मोगली वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है। बल्लू और बगीरा बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे। भी वहाँ पर जो मंकी किंग था, वो मोगली के पीछे था। मोगली भागते भागते केव्स में चला जाता है। अब जब मंकी किंग वहाँ पर उसका पीछा करता है, तो सारा केव्स गिर जाता है। अब मोगली तो एक ट्री पर जंप करके बच जाता है, लेकिन वो मंकी किंग उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। अब मोगली सबसे पहले इंसानों के बस्ती में जाता है। वहाँ पर वो जाकर ये देखता है कि आग जल रही होती है, और उस आग से ये सभी जानवर डरते हैं। मोगली वहाँ से एक मशाल लेता है, तभी मशाल की चिंगारियाँ सूखे घास पर गिर जाती है, और इसके कारण वहाँ पर आग लग जाती है। इसके बाद मोगली अपने साथियों के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर सारे उल्फ्स थे। वहाँ पर शेर खान भी था। शेर खान मोगली से ये कहता है कि देखो, तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, तुम भी आखिरकार इंसानों की तरह ही हो। अब जब मोगली पीछे देखता है, तब वो देखता है कि पूरे जंगल में आग लग गई थी। अब वहाँ पर जो उसके साथी उल्फ्स थे, वो भी उससे डर रहे थे। मोगली उस मशाल को पानी
पानी में फेंक देता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया यानी कि उल्फ हूँ। शेर खान मुगली को ये कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब जब शेर खान मुगली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी सभी एनिमल्स मुगली की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। मुगली भागते हुए जलते हुए जंगल की तरफ पहुँच जाता है। मुगली ट्री के टहनियों से एक रस्सी बनाता है और खुद ट्री पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ शेर खान ने सारे जानवरों को हरा दिया था और अब वो मुगली के पीछे था। अब मुगली जानबूझकर एक ऐसे टहनी पे चढ़ता है जो कि टूटने वाली थी। शेर खान तो मुगली के पीछे था, तो शेर खान की वजन से वो टहनी टूट जाता है और वो आग में गिर जाता है। मुगली ने जो रस्सी बनाई थी वो उसके वजह से बच जाता है। दूसरी तरफ शेर खान ने मुगली के सारे साथियों को घायल कर दिया था। वो सभी मुगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी वो देखते हैं कि मुगली एक हाथी के ऊपर बैठकर वापस आ गया था। अब मुगली हाथियों की मदद से नदी के स्ट्रीम को बदल देता है और इसकी वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जो आग लगी थी वो पूरी तरह से बुझ जाता है और इस तरह से पूरा जंगल बच जाता है। मुगली ने शेर खान को मारकर ना कि अपने दोस्तों की जान बचाई थी, बल्कि अपने फादर की मौत का बदला भी लिया था। अब मुगली को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहा था और इनके साथ अब बल्लू भी रहने लगा था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।